हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज आपके लिए फिर से एक और नए डिजाइन का डोरमेट लेकर आए हैं जो बनाने में बिल्कुल ईजी है। जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कलर लिए हुए हैं और मैंने मोटी वाली 8 नंबर सिलाई ली हुई है। इसी से हम आपको बनाना बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा हमारा डिजाइन यहाँ पे बन रहा है और 3 पत्तियाँ मैंने बना भी ली हैं, पर मैं जो आपको ये बताऊँगी, मैं शुरू से ही आपको बनाना बताऊँगी किस तरह से हमने इसको बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने, ये देखिए यहाँ पे इसे बनाने के लिए 26 फंदा ले लिया है। वो 26 फंदा मैंने कैसे लिया है वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से लिया है। जैसे कि मैंने 16 फंदा इस पत्ती के लिए लिया है और 8 फंदा मैंने यहाँ पे इसके लिए लिया है। तो वो यहाँ पे इस तरह से कुछ फंदे हमने डाले हुए हैं, ये देखिए, और 2 फंदे एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। तो देखिए, मैं आपको ये शुरू से ही बताऊंगी किस तरह से मैंने बनाया है। आपको ये वाली पत्ती भी बना करके बताएंगे और ये वाली भी। तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं प्यारा सा हमारा ये फ्लावर शेप डोरमेट आपको कैसा लगा। तो बहुत ही प्यारा सा ये बन के कम्प्लीट होगा। आप इसे पुरानी चुन्नी और साड़ी में भी बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने जैसे ही फंदे डाले हैं, फंदे डाल के हमने एक सिलाई बना ली है सीधी तरफ से। उल्टी साइड से मैंने इसमें डिजाइन बनाना शुरू किया है, तो वही चीज़ मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो ये ना सोचें कि मैंने शुरू से नहीं बताया, मैं आपको ये फिर से बोल रही हूँ, मैं आपको ये शुरू से ही बनाना बताऊंगी जैसे कि मैंने यहाँ स्टार्टिंग से बनाया है वैसे ही। तो ये देखिए, फंदे डाल लिए हैं और यहाँ पर फंदे मैं आपको बता दूँ, ये देखिए, छब्बीस फंदा मैंने डाला हुआ है। आप अपनी हिसाब से फंदे इसमें ले सकते हैं। तो चलिए, आगे वीडियो के अंदर और भी कुछ बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट रो को हम फंदा डाल के इस तरह से बना लेंगे, ये देखिए पूरा उल्टा उल्टा, और इस डोर मैट को आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे कि थाल पोस्ट की जगह या पूजा आसन की तरह या डोर मैट की जगह, टेबल मैट की जगह, जैसा आप चाहें वैसे इसको आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है और बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। ये देखिए, इस पहले फंदे को हम दोनों साइड से बुनाई कर रहे हैं ताकि यहाँ पे कोई हमने किनारी नहीं बनाई है, इसी तरह से इसको बनाया है, ये देखिए। तो अब यहाँ से हम अपना डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो वो कैसे बनाएंगे देखिए, पहले फंदे को दोनों साइड से हम बना रहे हैं इसमें। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से मैंने बनाया है। फंदे डाल के फर्स्ट रो को बना लिया और उल्टी साइड से डिजाइन को बनाना शुरू कर दिया। तो देखिए, 6 7 और ये 8 फंदे मैंने यहाँ पे ये अपना बना लिए इस कलर से। तो प्लीज़ अच्छे से वीडियो को देखें, आपको चाहे आप बड़ा बना रहे हैं चाहे आप छोटा बना रहे हैं, बनाने का तरीका सेम रहेगा। जैसे कि आपने 8 फंदे यहाँ पे बना लिए, तो यहाँ पे 16 फंदे हैं और 2 लास्ट में हमने एक्स्ट्रा फंदे डाले हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह से 8 फंदे बना लिए। अब ये देखिए, मैरून से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 8 फंदे लिए हैं, तो मैंने यहाँ पे अपने 16 फंदे लिए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे 10 रख रहे हैं तो आपने मैरून कलर से 20 फंदे लेने हैं और 2 फंदा ही ये हम एक्स्ट्रा रखेंगे,
ताकि ये हम दो फंदा छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे 8 8 16 फंदे लिए हैं, दुगने फंदे, और यहाँ पे आधे फंदे, यहाँ पे 8 हैं तो यहाँ पे हमारे 16 फंदे हैं। इस तरह से आपने जितना भी बड़ा बनाना है उसी तरीके से फंदे आपने लेने हैं। अगर यहाँ पे आप 10 रख रहे हो तो 20 फंदे आपने अंदर रखने हैं, यहाँ पे 20 रख रहे हो तो 40 फंदे यहाँ पे रखने हैं। इस तरीके से आपने इस डिज़ाइन के लिए फंदे लेने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको टोटल पूरा 26 फंदों में आपको ये डिज़ाइन बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे सीधी सिलाई में जो जैसा फंदा है वैसे ही हम इसको ये देखिए बनाएंगे। देखिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन हमारा लग रहा है, यहाँ पे उसी तरीके से आपको बनाना बता रहे हैं। ये 16 फंदे मैरून से बना लेंगे और 8 फंदा अपना इस कलर से बना लेंगे। ये देखिए दो लास्ट में मैंने छोड़े हुए हैं। बहुत सिंपल सा डिजाइन है, ये देखिए बना लिए। अब इस बार हम अपना 7 फंदा बनाएंगे, ये देखिए, क्योंकि हम इस पत्ती को यहाँ पे, ये देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ से जब हमने शुरू किया है तो ऊपर की तरफ हम बनाते हुए गए हैं। तो यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने अपना ये कम किए हैं। तो देखिए कैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे थे, 7 फंदे बना लिए। इसको हम यहाँ पे एक फंदे को मैरून से बनाएंगे, मैरून में कन्वर्ट करेंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 2 फंदे मैरून से लास्ट के छोड़ दिए हैं। अब सीधी सिलाई में हम इस बार हम आपको बता देते हैं, सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम इनको बनाते हुए जाएंगे, बाकी आपने कुछ नहीं करना है। सीधी सिलाई को ये देखिए ऐसे जो जैसे फंदे हैं धागे को क्रोश करते हुए वैसे ही हम बनाते चले जाएंगे। तो प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो देखिए धागा पीछे करेंगे और इस वाले धागे को आगे लाएंगे, ये देखिए ऐसे। तो ये फंदे मैंने 7 फंदे इस कलर से बना लिए, ये देखिए। फिर देखिए अब हम यहाँ पे 7 की जगह 6 फंदा बना लेंगे, 2 3 4 5 6 और एक फंदा इसी में मैरून में कन्वर्ट करेंगे, मैरून से बनाएंगे और लास्ट के 2 फंदे छोड़ेंगे। लास्ट के फिर से 2 फंदे छोड़ दिए और यहीं से सिलाई को पलट जाएंगे और पलटने के बाद हम फिर से अपना सीधी सिलाई को जो जैसा है वैसे ही बना लेते हैं। तो देखिए फिर से हम आ गए हैं उल्टी सिलाई पे। तो इन 2 फंदों तक हम इन 4 फंदों को ये मैरून से ही बनाएंगे। हर बार हमने एक एक फंदा ऐसे ही बनाते हुए जाना है। तो देखिए इस बार हम 1 2 3 4 और ये 5 अब इसको हम धागे को ऐसे पकड़ेंगे और इससे हम इस फंदे को बनाएंगे और लास्ट के 2 फंदे
विगर्भ उन्हें छोड़ देंगे। तो ये तीन फंदे और हम मैरून से ही बनाएंगे। तब तक यहाँ पे हमारे दो फंदे रह जाएंगे, तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी। सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है वैसे ही बनाएंगे, और उल्टी सिलाई में हमने यहाँ पे एक फंदा अपना मैरून से हर बार बना लेना है। तब तक हमारे ये तीन फंदे और बनाने हैं और लास्ट के दो दो फंदे छोड़ने हैं, और सीधी सिलाई जो जैसा है वैसे ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, इतने तीन फंदों को भी इसी में मैरून से बना लेते हैं, दो फंदे रह जाएंगे, तो आपको यहाँ पे फिर से दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इतना इसको बनाते हुए आगे हैं, यानी कि हमने अपना ये क्रीम वाले मैरून से छः फंदे बना लिए हैं। ये देखिए यहाँ पे दो फंदा रह गया है, जिसमें हमारे ये आठ फंदे थे। तो एक एक करके मैंने यहाँ पे छः फंदा अपना मैरून में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये देखिए यहाँ पे दो चार छः आठ दस बारह तेरह चौदह फंदे यहाँ पे दो दो करके छोड़े हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ से ऊपर की तरफ गए हैं छः फंदों को कम करते हुए, वैसे ही हम छः फंदों को बढ़ाते हुए नीचे की तरफ जाएंगे और लास्ट के ये दो दो फंदे बनाएंगे। ये देखिए जैसे ही हम ऊपर की तरफ गए हैं वैसे ही हम यहाँ पे, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये ऊपर की तरफ गए वैसे ही हम नीचे की तरफ छः फंदों को बढ़ाते हुए आए हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। ये देखिए अब ये दो फंदे तो बना लेते हैं इसी कलर से, और एक फंदा हम आगे से ले लेते हैं। ये देखिए तो पांच फंदा रह गया है, एक फंदा आगे से बढ़ा लिया है, और यहाँ पे जो मैरून के फंदे हैं वो मैरून से बनाएंगे, और जो छोड़े हुए फंदे हैं चौदह फंदा दो दो करके, वो हम लास्ट का दो दो फंदा लेते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए दो फंदों को बना लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए दो फंदे ले लिए, यहीं से टर्न करेंगे, और टर्न करते हुए हम जो जैसा फंदा है वैसे ही बना लेंगे। तो देखिए फिर से हम आगे हैं उल्टी सिलाई पे, तो यहाँ पे अब चार फंदे बनाएंगे, एक दो तीन और एक मैरून का कम करेंगे चार, यहाँ पे पूरे टोटल अपने आठ फंदे ही वापस आ जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे सभी फंदों को मैरून से बना रहे हैं, और दो फंदा लास्ट का हम बना लेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पे गैप दिख रहा है, तो गैप के लिए हम क्या करेंगे, फंदे को उठाएं, चाहे तो आप एक फंदा उठाएं, चाहे आप दो फंदे उठाएं, उनको क्या करेंगे हम दूसरे फंदे के साथ बना देंगे। ये देखिए तो गैप भी हमारा बंद हो चुका, और यहीं से फिर टर्न हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने चार फंदे कर लिए, यानी कि दो कर लिए, दो थे, और यहाँ पे अभी चार फंदों को वैसे ही नीचे की तरफ बनाते हुए चले जाएंगे और दो दो फंदे लेते चले जाएंगे। जब लास्ट का एक फंदा रह जाएगा तो आपको फिर दिखाएंगे। यहाँ पे ये लास्ट का दो फंदा रह जाएगा और यहाँ पे एक फंदा इसमें ऐड करना रह जाएगा, तब आपको दिखाएंगे। तो इतना भी कर लेते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं, सात फंदे कर लेते हैं ये पूरे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट के दो फंदे लेने हैं मैरून कलर के, और यहाँ पे मैरून से एक फंदा बाकी है बनाना। तो देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ, आठ फंदे वापसी हो गए हैं। जैसे ही ऊपर की तरफ गए थे वैसे ही नीचे की तरफ आ गए हैं। अब ये देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, और इससे पहले फंदा उठाएंगे पंद्रह, और ये सोलह। अभी लास्ट फंदा ये छूटा है, अब यहीं से सिलाई को पलट जाएंगे और सीधी सिलाई में जो जैसा है वैसे ही इनको हम बना लेते हैं पहले।
तो यहाँ पे पूरी सिलाई को हमने बना लिया। अभी दो फंदे लास्ट के बाकी हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरी सिलाई को इसी कलर से हम बना देंगे, सभी फंदों को इसी कलर से हम बना देंगे। तो यहाँ पे ये वाली पत्ती मेरी कंप्लीट हो चुकी है, ये देखिए। अब आगे की ग्रीन कलर की फ्लावर हम आपको बनाना बताएंगे, वो भी बहुत ईजी है, देखिए। और हमारे यहाँ पे टोटल ये 6 कली बनके कंप्लीट होंगी। फंदे आपने वैसे ही रखने हैं जैसे हमने आपको बताए हैं। इससे पहले हम यहाँ पे फंदा उठा लेते हैं, दूसरे फंदे के साथ इसको बनाएंगे। और ये देखिए, अब यहाँ पे ये सिलाई भी पूरी हम बना लेंगे। तो फंदे को स्लिप करते हुए यहाँ पे इस फंदे को नहीं बनाएंगे और पूरी सिलाई को बना लेते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला फ्लावर मैं आपको बनाना बताऊँगी। तो सबसे पहले हम ये सिलाई को पूरा कर लेते हैं। तो ये कली तो मेरी बनके कंप्लीट हो चुकी है, इस तरह से हमने ये सभी कलियाँ बनानी है। इसके बाद मैं आपको ये वाली कली बना करके बताऊँगी। तो वो कैसे बनानी है, ये देखिए, यहाँ पे बहुत सिंपल सी है। तो जो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये दो फंदे छोड़े थे, यहाँ पे इन फंदों को हमने इधर कर लेना है। तो देखिए कैसे, अब यहाँ पे एक फंदा हम बढ़ाते हुए, ये देखिए सिलाई पे लपेटते हुए बढ़ा लेते हैं, ये देखिए ऐसे। तो दो फंदा हो चुका, जिसको हम इन फंदों में यहाँ पे ये वाले फंदे इधर कर लेंगे। और यहाँ पे ये देखिए फिर ग्रीन लगाएंगे अपना। तो ग्रीन को एक फंदा मैंने बढ़ा लिया, इसमें दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और ये 8 और ये 9 फंदे मैंने यहाँ पे कर लिए हैं, जिसमें से ये देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 फंदे जो हमने यहाँ पे अपने डाले थे वो वाले, और एक फंदा मेरा ये बढ़ा हुआ हो गया। और दो फंदे ये यहाँ पे हमारे इस साइड जो हमने शुरू में ही छोड़ दिए थे वो मैंने इधर कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 × 2 = 16 फंदे रह गए हैं। अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लिया है और 8 फंदे ये हैं जो मैंने ये डाले थे, और ये दो फंदे हमारे इधर साइड के हैं। अब यहाँ से इनको हम बना लेते हैं, 9 फंदे ये बना लेते हैं, जिसमें एक फंदा बढ़ चुका है और दो फंदे वो लास्ट वाले जो पहले ही हमने शुरू में ही छोड़ दिए थे। अब ये देखिए सीधी सिलाई तो हम जो जैसा है वैसे ही बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ा लिया, ये देखिए एक फंदा बढ़ा लिया। अब हम यहाँ पे दूसरा फंदा बढ़ाएंगे सिलाई पे लपेटते हुए ही, दूसरा फंदा बढ़ा लिया और इस वाले फंदे को हम ग्रीन में कन्वर्ट करेंगे, जैसे रेड को कर रहे थे वैसे ही। ये देखिए दो फंदे बढ़ चुके और दो फंदे लास्ट के हम छोड़ेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे, ये देखिए दो फंदा छोड़ दिया, यहीं से सिलाई को पलट जाएंगे। और पलटने के बाद सीधी सिलाई तो जो जैसा है वैसे ही हम इन्हें बनाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे दो फंदा बढ़ा चुके हैं, तीन फंदा और बाकी बढ़ाना है, यानी कि टोटल 5 फंदे बढ़ाने हैं हमने। तो देखिए यहाँ पे अब ये तीसरा फंदा हम सिलाई के ऊपर लपेटते हुए बढ़ा लेते हैं। अब ये वाला फंदा इसमें बनाएंगे और लास्ट के दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे, ये देखिए यहीं से सिलाई को पलट जाते हैं। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं,
जो भी आपको पसंद है, और आप इसे बहुत आसानी से पुरानी चुन्नी और साड़ी में भी बना सकते हैं। अब ये दो फंदा हम इस तरह से बना लेते हैं, फिर यहीं से सिलाई को पलट जाएंगे। चौथा फंदा हम बढ़ा रहे हैं। दो लास्ट के मैंने फिर से छोड़ दिए, यहीं से सिलाई को पलट जाएंगे। तो सीधी सिलाई को इसको हम बना लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे अपना पांचवा फंदा बना रही हूँ और इसको हम इसमें करेंगे और दो लास्ट के फिर से छोड़ देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे ये देखिए 2, 4, 6, 8। अब ये देखिए यहाँ पे दो फंदे तो हमारे ये लास्ट वाले आ गए हैं और यहाँ पे मैंने ये देखिए 2, 4, 5 फंदे बढ़ा लिए हैं। यहीं से सिलाई को पलट जाएंगे और ये देखिए आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और ये पांचवी सिलाई। क्योंकि हमने जब ये सिलाई बनाई थी तो फंदा को बढ़ाते हुए ही बनाई थी। ये देखिए, अब जैसे जैसे फंदे, ये देखिए आधी कली हो चुकी है ये यहाँ पे यहाँ तक, अब जैसे जैसे फंदे छोड़े हैं वैसे वैसे लेंगे और एक एक फंदा घटाते हुए जाएंगे। तो देखिए इससे पहले ये देखिए, अब यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। ये देखिए 2 का 1 कर दिया और एक हम आगे से ले लेंगे। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, अब 2 जो छोड़े हैं वो उनमें से ले लेते हैं, 6 और सिलाई को एक पलट जाएंगे। तो बहुत ही प्यारी सी हमारी यहाँ पे ये फ्लावर बनेगी। जैसे जैसे ऊपर की तरफ गए वैसे वैसे ही नीचे की तरफ आ रहे हैं हम बनाते हुए। बहुत सिंपल सा डिजाइन है यार। दोनों साइड से इस फंदे को हम बना रहे हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ पे हम दूसरा फंदा घटाएंगे। दूसरा फंदा मैंने घटा दिया और एक आगे से ले लेंगे और यहाँ पे उससे पहले हम अपना फंदा उठाएंगे और फंदे उठाने के बाद गैप को बंद करेंगे। ये देखिए, तो आइए सीधी सिलाई को बनाते हैं। दो फंदे घटा दिए, अब तीसरा फंदा हम घटाने जा रहे हैं। 2 का 1 किया और एक आगे से बना लिया, ग्रीन का कम कर दिया और ये वाले ग्रीन से ही बनाएंगे और 2 लास्ट के ले लेंगे। उससे पहले हम अपना फंदा उठाएंगे। तो आप चाहे तो ज़्यादा बड़ा गैप दिख रहा है तो 2 फंदे उठाएं, चाहे आप 1 फंदा उठाएं, पर आपको इसी तरह से गैप को बंद करना है। तो यहाँ पे ये देखिए अभी 2 छूटे हुए हैं। अब चौथा फंदा भी सीधी सिलाई को बना लेते हैं। चौथे फंदे को हम घटाएंगे, ये देखिए 2 का 1 करेंगे इस तरीके से और 1 आगे से ले लेंगे और 2 लास्ट के हम। तो बहुत ही प्यारा सा फ्लावर हमारा बन चुका है। अब गैप बंद करने के लिए फंदा उठा लेते हैं और दूसरे फंदे के साथ उसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे 4 फंदा घट चुका है और 4 फंदे ये 2-2 करके ग्रीन वाले सभी फंदे ले लिए हैं और देखिए बहुत ही प्यारी सी हमारी यहाँ पे ये पत्ती भी बन गई है। अब सीधी सिलाई को बना लेते हैं, फिर आपको अपना 5वां फंदा घटाते हुए आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आपको 5वां फंदा घटाते हुए बताएंगे। इससे पहले हम पूरी सिलाई को इसी से हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 5वें फंदे को घटा रहे हैं, ये देखिए इसी से, और सारे फंदे हम इसी से बना लेंगे और इसको इस तरह से 1-2 बार कर लेंगे क्योंकि हम इसको यहाँ पे कट कर देंगे। जैसे हमने अपना मैरून को कट कर दिया है और नॉट लगा दी है, ये देखिए
अब सभी फंदों को इसी कलर से हम बना के कंप्लीट करेंगे। उससे पहले यहाँ पे भी थोड़ा हमारा गैप दिख रहा है, तो गैप के लिए हमने फंदा उठा लिया और इसके साथ बना दिया। पूरी सिलाई को हम बना लेंगे यहाँ पे। तो देखिए जिस तरह से यहाँ पे ये सिलाई हमारी आ रही है, वैसे ही हम यहाँ पे भी अपना बना लेंगे। तो आइए बना लेती हूँ सीधी और उल्टी सिलाई को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से हमारा ये बनके कंप्लीट हुआ है। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने पूरी सिलाई को बना दिया सीधी सिलाई। अब हम जो अपनी इसमें पाँचवीं पत्ती को बनाएंगे, तो वैसे ही हम बनाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे अपना 16 फंदा मैरून से लिया था, 8 फंदा ये अपना ये क्रीम कलर से लिया और 2 फंदे लास्ट के यहाँ पे छोड़ दिए। तो इसी तरीके से आपका ये बनके बहुत ही प्यारा सा कंप्लीट होगा। और देखिए यहाँ पे ये बाहर की तरफ पत्तियाँ आ जाएंगी, ये फ्लावर हमारे, और ये पूरा गुलाई में हमारा पूरा राउंड गुलाई में आएगा। तो बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे मैं 5 कली अपनी, सॉरी 6 कली का बनके कंप्लीट होगा, जिसमें हमारी 4 बन चुकी हैं और 2 कलियाँ और हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो आइए इसको हम पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखाती हूँ। तो बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा हमारा बनके कंप्लीट हुआ है। तो मैं बना लेती हूँ, आपको वैसे ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसे बनाने का। तो चलिए कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा डोरमेट बनके कंप्लीट हो चुका है और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, ये देखिए। और बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमने इसको बनाया है। अब ये देखिए, यहाँ से हम सभी फंदों को इस तरह से बंद कर देंगे, यहाँ से बंद करना शुरू करेंगे। और सभी फंदों को बंद करने के बाद यहाँ पर भी हम सिलाई कर देंगे। और जैसे ही हमारी 2-2 सिलाइयाँ यहाँ पर आ रही हैं, वैसे ही हमारी 2-2 सिलाइयाँ यहाँ पे भी आ जाएगी लास्ट में भी। और देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है और बनाने में तो बिल्कुल ही इजी है। और इसको आप पुरानी चुन्नी और साड़ी में भी आराम से बना सकते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो देखिए बीच में हम इसी कलर का, कोई भी कलर का आप पॉम्पॉम्स लगा सकते हैं अगर आपने लगाना है। अगर आप इसी तरह से इसको यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा लग रहा है हमारा, यहाँ पे बीच में पम्पम्स लगा करके भी इसे हम सुई की मदद से लगा लेंगे। तो देखिए काफ़ी सुंदर हमारा पायदान बनके कंप्लीट हुआ है। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं ये प्यारा सा हमारा आपको डोरमेट कैसा लगा। तो आइए हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।